श्रीकांत ने IIT परीक्षा के लिए कोचिंग लेनी चाहिए, लेकिन कोचिंग संस्थानों ने उनके ब्लाइंडनेस को देखते हुए उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया और उनका IIT का सपना अधूरा ही रह गया। इसके बाद श्रीकांत ने MIT के लिए अप्लाई किया और वे वहाँ एडमिशन लेने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बन गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्री की स्थापना की, जो इको फ्रेंडली डिस्पोजल प्रोडक्ट्स बनाती है, और आज इस कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिसमें 200 से ज्यादा फिजिकली चैलेंज्ड लोग काम करते हैं और इस कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर रतन टाटा हैं। श्रीकांत का नाम 2017 में जारी फोर्ब्स की 30 Under 30 मैगजीन्स में भी शामिल है और इन पर एक बायोपिक बनाई जा रही है जिसमें राजकुमार राव मेन रोल निभा रहे हैं।